सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड दिस माय सेकंड ब्लॉग एंड आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना एंड थैंक यू सो मच पहली वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए एंड इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. बस ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो आती रहेगी, मतलब कुछ इंटरवल्स में आती ही रहेंगी, उसकी टेंशन मत लेना, वीडियो आती रहेगी. तो अभी मैं जस्ट उठाऊँ एंड अभी बज रहे 9, तो एक बार मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं. सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ एंड मेरी फर्स्ट मील भी हो चुकी है एंड मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं जिम चला जाऊँ क्योंकि यार रात को आज बहुत बिजी शेड्यूल है एंड वो क्यों है वो आपको वीडियो में आगे पता ही चल जाएगा. तो वीडियो कहीं स्किप मत करना, लास्ट तक देखना एंड चलो वर्कआउट एंजॉय करो. द वर्कआउट इज़ डन एंड मैंने ज़्यादा क्लिप इस वजह से ऐड नहीं करी क्योंकि यार थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइजेस थी आज करने को, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा क्लिप्स ऐड नहीं करी. एंड ये अभी बजना था क्योंकि इतनी देर से बज नहीं रहा था, ये जो आपको घर घर आवाज़ आ रही हो ये अभी बजना था, इतनी देर से नहीं बज रहा था, पता नहीं क्यों. एंड मैंने जैसे सोचा कि चलो अब शांत है तो अब बना ली जाए वीडियो, बट ये चुप नहीं रहेगा तो ये दोबारा बजना स्टार्ट हो गया. एंड अब मैं आपको सीधा शाम को मिलाऊँ क्योंकि अभी बच चुके हैं 10 एंड मेरी क्लासेस है कुछ, तो सीधा शाम को 5 बजे मिलते हैं जब मैं वेगस जाने वाला हूँ, तो मिलते हैं 5 बजे. सो फाइनली गाइज मेरा हेयर कट हो चुका है डन एंड अभी बच चुके हैं शाम के, कितने बज गए, 5:18 एज यू कैन सी, 17:18, हाँ 5:18 हो गए हैं. तो दोस्त को कॉल कर लिया जाए कि कहाँ रह गया, कब तक आएगा. हियर वी गो. हेलो. हेलो, कहाँ पे है? घर पे हूँ भाई. कितनी देर में निकलेगा? बस 15 मिनट में आता हूँ तेरे घर. चल ठीक है. ठीक है ना? तो भाई जैसा कि आपने सुन लिया वो कह रहा है 15 मिनट में आ जाएगा, बट मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर फिर भी मैं रेडी हो जाता हूँ एंड देखते हैं कितनी देर बाद आएगा. 2000 years later. सो गाइस फाइनली वो आ चुका है एंड बिलीव नहीं करोगे अभी पता कितना टाइम हो रहा है, अभी 6:30 बज रहे हैं एंड उसका कॉल अभी आया है कि 5 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ, आ जा लोकेशन. मतलब घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो मेरे को थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा, तो उस भाई का फोन आया कहता कि 5 मिनट में आ जा, मतलब अभी भी 5 मिनट और बोल रहा है. एंड मैंने उसे 5:30 बजे कॉल करके बोला था कि कब तक निकल रहा है, वो तब कह रहा था कि 15-20 मिनट. तो मुझे वैसे एक्सपेक्टेड था उससे, तो कुछ वो नहीं है इतना. तो यार बिना टाइम वेस्ट करे चलो चलते हैं यार. और देखते हैं आपका क्या सीन है, बाहर का क्या सीन है और अंदर का क्या सीन है. सो जैसा कि आप देख सकते हो क्या कुछ ज्यादा ही तगड़ी लाइटिंग कर रखी है. ठीक है, तो यहाँ मार्केट है एंड ये मार्केट पता नहीं किस चीज़ की है भैया, क्या सीन है यहाँ, क्रिसमस मार्केट, सारे खाने पीने का ही लग रहा है मुझे तो यहाँ. और यहाँ से खाना मतलब क्या, जितने व्यूज नहीं आने उससे ज़्यादा पैसे लगेंगे. हाँ ऐसा ही कुछ हो जाना है, तो हम यहाँ से कुछ नहीं खाने वाले, अगर आपको खाना है तो आके खा सकते हो आप. यहाँ पे पता नहीं क्या क्या मोमोस वगैरह होंगे और आइसक्रीम वगैरह है जो कि हमें ठंड में नहीं खानी. तो चलते हैं अंदर का सीन देखते हैं क्या है. तो ये है कुछ इसकी एंट्री एंड जैसा कि देख सकते हो कितना तगड़ा व्यू आ रहा है, बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है.
तो चलो एक बार अंदर चल के। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए जैसा कि आप देख सकते हो, चल 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 सामने बिल्कुल। तो सेफ्टी का आप पूरा ध्यान रखा, अंदर का काफ़ी तगड़ा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो मिडल में सेंटा क्लॉज, आज तक रियलिटी में तो किसी ने नहीं देखा, इन्हें बस लगा रखी है मूर्ति, पता नहीं किसने देखा था सबसे पहले इन्हें। और घर को ये नहीं समझ आता सेंटा क्लॉज पहले से बनता था, हाँ ऐसा कुछ पता नहीं भाई। तो ऐसा ही कुछ सीन हो रखा है, एंट्री तो काफ़ी ज़्यादा आ रखी है जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स देने की कोशिश करता हूँ, सेकेंड व्लॉग है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ट्राई करूँगा। करता हूँ आपको सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे। एंड अब हम कहाँ जा रहे हैं, फूड कोर्ट कैफेटेरिया, थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट कैफेटेरिया में जा रहे हैं हम। देखते यार कुछ खाने का बना तो खाएंगे, वरना कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। बट यहाँ पे लाइटनिंग बहुत ज़्यादा है, देख लो शक्ल कितनी चमका रहा है, मतलब कार है। हाँ बुरा लग रहा है, देख मैं भी इतना गोरा नहीं हूँ पर फिर भी लग रहा हूँ, पता नहीं कैसे लग रहा हूँ बट लग रहा है। तो एक बार ऊपर चलकर समझ भाई, हमने KFC में खाना खाया। तो जो भी खाना था वो ऑर्डर हमने KFC में करा था, बट मैं वो शूट करना भूल गया क्योंकि ये बकचोदियाँ कर रहा था, ये बकचोदियाँ कर रहा था, इस वजह से मैं शूट करना भूल गया। तो अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर। सो गाइस फाइनली मैं घर वापस आ चुका हूँ एंड द डे इज़ अबाउट टू एंड। एंड आप जब ये वीडियो देख रहे होगे उस दिन क्रिसमस होगा, तो मैरी क्रिसमस टू यू ऑल एंड योर फैमिली, खुश रहो एंड प्रोबेबली
न्यू ईयर वाले दिन अगर वीडियो आती है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं आती है तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, ठीक है। एंड मैं वहाँ सही से व्लॉगिंग इस वजह से नहीं कर पाया यार, क्योंकि ना जो सराउंड साउंड थी ना वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, एंड वीडियो मतलब मैंने बहुत ट्राई करा एडिट करने का, जो बैकग्राउंड नॉइस है वो हटाऊँ बट वो हटने को नहीं राजी हो रही थी। मतलब काइंड ऑफ मैं एज अ प्रो एडिटर नहीं हूँ अभी, मैं खुद ही एडिट करता हूँ अपनी वीडियो, खुद ही वो कर रहा हूँ, तो नहीं हट रही थी, इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार इस व्लॉग के साथ। एंड थैंक यू सो मच जो भी अभी तक देख रहा है, एंड खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।